आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी पेट की चर्बी को बहुत तेज़ी से कम करती है। आपका पेट है वो कितना ही ज़्यादा बाहर निकला है, आपकी तौंद कितनी ही ज़्यादा बाहर निकली है, सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेली एक्सरसाइज ही आपकी पेट को बिल्कुल अंदर कर देगी। ये एक्सरसाइज कौन सी है? जैसे कि अगर आप जिम में जाकर कोई बैली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ये सेम टू सेम आपको उस तरीके का ही रिजल्ट देने वाली है। लेकिन घबराइए नहीं, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बेड वगैरह पर, मैट वगैरह पर घर में बैठे बैठे ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं बिना किसी के सहायता के। और यकीन मानिए ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? खाना खाने के पहले करना है, खाना खाने के बाद नहीं इस एक्सरसाइज को करना है। दूसरा, अगर आपको कमर दर्द की ज़्यादा समस्या रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम है वो हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, तो आपको नहीं करना है। बाकी चाहे सी सेक्शन डिलीवरी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है या फिर कोई भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से 2 से लेकर 3 वेरिएंट में करना है और पूरा परफॉर्म करना है। तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले इस तरीके से हम बैठ जाते हैं। जो पैर के हमारे पंजे हैं, यानी कि जो ये अंगुलियां हैं, इनको हमें क्या करना है, अपनी तरफ खींच के रखना है। बाहर की तरफ अगर ये रहती है तो यहाँ पर इफ़ेक्ट है वो कम होगा, और जब यहाँ पर इफ़ेक्ट कम होगा तो आपकी लोअर बैली पर भी इसका असर कम होगा। तो क्या करना है, हमें अपने पैर के पंजों को अपनी तरफ रखना है। पेट को हमें क्या करना है, अंदर की तरफ खींच के रखना है। तो अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच लिया, अब दोनों हाथों को इस तरीके से हमें बांध लेना है, मुट्ठी बना लेना है। अब धीरे धीरे इस तरीके से सबसे पहले हमें पीछे जाना है जितना जा सकते हैं, बॉडी का कंट्रोल भी ध्यान रखना है। इस तरीके से पीछे गए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ करिए और अपने पैर के पंजे के पास लाएंगे और फिर धीरे से नीचे की तरफ जाते हुए वापस जाना है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अपनी सांस का। इस एक्सरसाइज में सांस लेने का जो तरीका है वो बहुत खास है। कैसे? जब आप पीछे गए तो सांस को आराम से ले लेना है, जब नीचे आएंगे इस तरीके से तो सांस को क्या करना है, छोड़ना है। इस तरीके से तो आप मेरे साथ सबसे पहले इस एक्सरसाइज को 10 बार अभी करके देखिए, उसके बाद हम इसका दूसरा वेरिएंट करेंगे। तो चलिए, वन टू थ्री फोर। जिम में हम खींचते हैं ना पेट के लिए, इस तरीके से खींचते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर इस तरीके से खींचते हैं, और ये जो मसल्स है वो हमारे टाइट होते हैं और ये पेट कम होता है, और इसके लिए हम इतना महंगा महंगा सामान मंगाते हैं, लेकिन आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्न फील हो रहा होगा, स्ट्रेच फील हो रहा होगा, प्रेशर फील हो रहा होगा, इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज क्या है, वर्क कर रही है। आराम से 10। अगर आपने मेरे साथ इसको अभी किया होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है, और इसको करना कितना आसान था, है ना, आराम से कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो कैसे करना है, इसी तरीके से करना है। हमें अपने दोनों हाथों को बैंड कर लेना है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बोल दूँ कि सिर्फ अकेली एक्सरसाइज करने से हमारा पूरा पेट कैसे कम होगा, हमें थोड़ी सी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना
जितना हम पहले से खा रहे थे उतना ही अगर आप खाते रहेंगे तो जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो ज़्यादा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। तो इसके लिए आपको डाइट भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। डाइट में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, बस अपनी डाइट है उसको हेल्दी रखना है। बहुत हैवी हैवी खाना अगर खा रहे हैं वो नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। शुगर को स्पेशली हमें थोड़ा कर देना है, बंद तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें क्या है कम कर देना है। पानी का इंटेक है वो भी बढ़ा देना है। 3 से लेकर 4 लीटर जब आप पानी पीते हैं तो जो पेट है वो बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्लीन हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। पेट के अंदर जितना भी जमा हो गया है, आपकी टॉक्सिस वगैरह जमा हो गया है, वो निकल जाएंगे। और जब आपका पेट सही रहता है, साफ रहता है, तो वो फिर निकलता भी नहीं है, है ना। चलिए अब देखते हैं हम इसका दूसरा वेरिएंट। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पीछे गए और अब हम इसको नीचे से इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, ऊपर से इस तरीके से आ रहे थे और अब हम इसको नीचे से ऐसे ले जाएंगे और फिर ऊपर, बस सिंपल। अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, कंट्रोल का, आप कहीं पीछे तो नहीं गिर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को कंट्रोल में ही रखना है। 7 8 9 10 9 8 6 5 5 4 3 2 1। बहुत अमेजिंग तरीका है, आराम से अपने बेड पर बैठ जाइए, 20-20 करके दोनों वेरिएंट में करेंगे, हो जाएगा आपका 40 टाइम। और इसके करने हैं आपको 2 सेट अगर आप पहले दिन कर रहे हैं, 1-2 दिन बाद आपको इसके 3 सेट 4 सेट करने हैं, क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज है तो हमें इसको क्या है ज़्यादा सेट करने होंगे। तो आप इसके 4 सेट तक ले जाने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, यूजफुल जरूर लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को हमेशा फिट रखें।